नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वाद की पाठशाला में। दोस्तों आप सब कैसे हैं, मैं एक बार दोबारा आप लोगों से पूछूंगी और सॉरी बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि मेरा वीडियो बहुत लेट आ रहा है। क्या करेंगे, कोरोना की लहर ने मुझे भी अपने साथ बहा लिया था। मैं भी COVID-19 पॉजिटिव हो गई थी, तो उस कारण से मैं अपनी वीडियोज़ आगे शूट नहीं कर पाई और पोस्ट नहीं कर पाई। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। जितना आप बाहर कम निकलेंगे उतना आप कोरोना से दूर रहेंगे। अब मैं ठीक हो गई थी, उसके बाद मुझे मन किया कि अब मुझे कुछ अच्छा खाना है, क्योंकि बहुत हेल्दी खाकर थोड़ा सा चीटिंग भी होनी चाहिए ना। बाहर का अब हम कुछ खा नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही बनाती हूँ। और ये मैं अपनी बेटी की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। उसको मैकडोनल्ड्स बहुत पसंद है और उसका स्पेशली पिज़्ज़ा पफ बहुत पसंद है, तो आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए अब बातें बहुत हो गई हैं, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए इसका हम सबसे पहले आटा गूंदेंगे, जिसके लिए मैं एक खाली परात ले रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा, 1/2 teaspoon नमक, 1 tablespoon ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये मोन के लिए होता है। अब ऑयल डाल के हमें मैदे के साथ अच्छे से इसको मसलना है, जब तक पूरा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए मैदा में हमारे, और अच्छे से मैदा को मसल के हमें चेक करना है कि ये मुट्ठी जैसा बन जाए। अच्छे से मुट्ठी के तरह मैदा हमारा बनता जा रहा है। अब ये स्टेज पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। अच्छे से मैदा समेटते हुए हम इसको गूंद लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट आटा ही गूंदना है, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है, अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाकर इसको एक वाइट कपड़े से ढककर रख देंगे। हमें आटे को करीबन 10 से 15 मिनट ढककर साइड रखना है। चलिए जितना आटा सेट हो रहा है हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैं गैस पर एक पैन रख रही हूँ। इसमें हम डाल रहे हैं 1 tablespoon ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 teaspoon लहसुन बारीक कटा हुआ। लहसुन डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े साइज का प्याज, जिसको हमने बारीक काट लिया है। वो प्याज को थोड़ा कलर चेंज होने तक हिलाते हुए इसको भूनेंगे। प्याज का देखें आप कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटी हुई गाजर, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 शिमला मिर्च, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 tablespoon बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न्स, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। कॉर्न्स डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 teaspoon नमक। नमक डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे सब वेजिटेबल्स को। हमें अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भूनना है। आप देखिए वेजिटेबल्स अच्छे से भून रही हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 teaspoon वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। पेपर पाउडर डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 teaspoon पास्ता सीजनिंग या पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं हम, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 teaspoon टमाटो केचप, 1.5 teaspoon रेड चिली, 1.5 teaspoon शेजवान सॉस, 1/2 teaspoon चिली सॉस। सारी सॉसेस डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे।
हमें अपनी वेजिटेबल्स को थोड़ा क्रंची ही रखना है, बिल्कुल गलाना नहीं है। अच्छे से सॉसेस को मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालकर भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स को अपनी। आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे हो गई हैं। हम गैस को स्लो कर देंगे। हमें अपनी थोड़ी सी वेजिटेबल्स को गलाना है क्योंकि अभी बिल्कुल कच्ची लग रही हैं, तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें वेजिटेबल्स को अपनी थोड़ा ड्राई भी नहीं रखनी है बिल्कुल। पानी अच्छे से वेजिटेबल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब तक हमें इसको चलाते रहना है। ये प्रोसीजर हम पूरा मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। आप देखिए हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे हो गई हैं। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप चीज़। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं हमारी वेजिटेबल्स। हमारी फिलिंग इसकी पूरी रेडी हो गई है वेजिटेबल्स की। अब हम अपने आटे की तरफ चलते हैं। आटे को हम अनकवर कर लेंगे और अच्छे से एक बार उसको गूंथ लेंगे। अब हम आटे को अपने 6 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब हम आटे का 1 भाग लेंगे और इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर उसको अच्छे से गोला बनाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सूखा मैदा डालकर इसको अच्छे से बेलेंगे। हमें बहुत थिक नहीं बेलना है और बहुत पतला भी नहीं रहे। आप देखिए हमने इसको अच्छे से रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम इसको स्क्वायर करने के लिए हमें इसके चारों कॉर्नर्स काटने होंगे। आप देखिए जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे ही आप करिएगा। आप देखिए आपके सामने एक स्क्वायर आ गया है। अब स्क्वायर को हमें इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसको भी कट कर लेना है। अब हम इसमें चम्मच से इसमें फिलिंग रखेंगे एक पार्ट पे और अच्छे से सेट कर देंगे। अब जिस पार्ट पे हमने फिलिंग रखी है उसके साइड्स पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे दूसरे पार्ट को चिपकाने के लिए। आप देखिए हमने अच्छे से पानी लगा दिया है चारों तरफ। अब हम दूसरे पार्ट को इस पर रखेंगे और अच्छे से फिंगर से प्रेस करेंगे कि चारों तरफ से अच्छे से दब जाए। अब हम इसको एक फोक की हेल्प से चारों तरफ इस पे लाइनें डालेंगे। लाइनें डालने का हमारा मकसद ये होता है कि अच्छे से दब जाए और इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकले। आपने कभी मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा पफ खाया होगा तो उसमें आप देखते हैं कि साइडों में पूरा पैक्ड होता है। ये इसी तरह पैक्ड होता है जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में। देखिए अच्छे से हमने इसको फोक से प्रेस कर दिया है। यहाँ मैंने 2 पिज्जा पफ रेडी किए हैं। अब इसके फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है। उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है तलने के लिए इनको। हमें इसको डीप फ्राई करना है। ऑयल देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसको मीडियम स्लो फ्लेम कर देंगे अपनी। अब हम इसमें 1 पफ डाल रहे हैं। ऑयल इसके ऊपर डालते हुए हम इसको अच्छे से तलेंगे। इसको हमें अलटते पलटते हुए अच्छे से तलना है। आप देखिए कितने अच्छे से हमारा पफ तल गया है, बिल्कुल मैकडॉनल्ड जैसा ये पिज्जा पफ लग रहा है। इसको केचप के साथ खाइए और एंजॉय करिए। और गाइज ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, हम बाहर जाकर कुछ नहीं खा सकते हैं, बट हम घर पर तो बना सकते हैं ना कुछ अच्छा।
और रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।